हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वादिष्ट खाने किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक की कढ़ी, जिसके लिए हमने ये पालक जो है इस तरीके से काट लिया है और अब हम इसको करेंगे वॉश। तो मैं आपको दिखाती हूँ आगे। तो गाइस, इस तरीके से अच्छे से वॉश कर लें। ये हमारी जो है छेद वाली प्लेट है, आप देख सकते हैं। अच्छे से वॉश कर लें इसको, ताकि जो इसके अंदर थोड़ी बहुत मिट्टी हो वो भी निकल जाए। तो गाइस, हमारा जो पालक है वो वॉश हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम उसको इस पतीले में ऐड करेंगे। देखिए, इस पतीले में ऐड करेंगे। सारा पालक ऐड करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस, हमने जो है अपना पालक उबलने रख दिया, आप देख सकते हैं। हमने इसमें एक गिलास पानी ऐड करा है। कुछ पालक में से पानी छूटेगा, इसलिए हमने सिर्फ एक गिलास पानी ऐड करा है। इस तरीके से पालक को उबलने रख दें। तो गाइस, पालक को उबालेंगे, अच्छे से ढक दें इसको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरीके से। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारा जो पालक है वो उबल चुका है, कितना बढ़िया तरीके से उबला है। अब हम इसे निकाल लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस, अब हमने ये लस्सी ले ली है। ये 1 किलो लस्सी है, आप देख सकते हैं, और खट्टी लस्सी है ये। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो गाइस, पानी डालने से पहले हम इसके अंदर बेसन है वो मिक्स कर लेंगे। 2 चम्मच बेसन है ये, आप देख सकते हैं। 2 चम्मच बेसन है, जो बड़े वाले चमचे आते हैं वो। आप चाहें तो 2 कटोरी भी ले सकते हैं। और इसको अच्छे से अब हम मिक्स करेंगे इसी में ही। तो गाइस, अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे मिक्स करने से पहले। ये 1 चम्मच धनिया है, और 1 चम्मच ही हमने लाल मिर्ची का पाउडर ऐड करा है। और गाइस, 1 चम्मच है हल्दी, आप देख सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग भी हल्दी कम ज़्यादा कर सकते हैं, हमने अपने हिसाब से करी है। क्योंकि हमारी मिर्ची जो है वो भी तेज है, बहुत तीखी है, इसलिए हमने 1 चम्मच डाली है। अगर आपकी मिर्ची कम हो तो आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। तो गाइस, अब हम इसको इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक जो है हम इसमें बाद में ऐड करेंगे, जब इसमें उबाल आ जाएगा उसके बाद हम नमक ऐड करेंगे। जो इसके अंदर हल्की फुल्की गुठलियाँ बन रही हों, उसे इस तरीके से घुमा घुमा के और पतीले की मदद से इस तरीके से अच्छे से फोड़ लें, देख सकते हैं। आप चाहे तो हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, हाथ से और ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाता है, तो इसलिए हाथ की मदद से भी चाहें तो कर सकते हैं। मैं आपको ये अच्छे तरीके से मिक्स करके फिर दिखाती हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो चुका है हमारी जो मसाला और बेसन, अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, देख सकते हैं आप। ये आधी बोतल पानी है, तो हमने आधी बोतल पानी डाला है। आप कम से कम 3 से 4 गिलास पानी डाले तब भी इतना ही हो जाएगा। अगर आपकी जो वो है लस्सी वो ज़्यादा खट्टी है तो उस हिसाब से पानी डालना है। अगर आपकी लस्सी खट्टी नहीं है तो आपको ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 से 1.5 गिलास में भी हो जाएगा। तो गाइस, हमने जो है अपनी कढ़ी बनने रख दी है इस तरीके से गैस पे। इसको इसी तरीके से चलाते रहेंगे कम से कम, जब तक इसके अंदर उबाल ना आना ना शुरू हो जाए, जब तक इसे इसी तरीके से चलाते रहें। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारी जो कढ़ी है वो अच्छे से उबल चुकी है, अच्छी तरीके से उबाल आ गया है उसमें। तो इसको कम से कम 5 मिनट के लिए इस तरीके से ही छोड़ देंगे। तो गाइस, हमारी जो कढ़ी है अच्छे से उबल चुकी है। अब हम इसके अंदर पालक ऐड करेंगे। देखिए, इस तरीके से जो पालक है वो सारा पालक इसमें ऐड कर देंगे हम। अच्छे से पालक को दबा के अच्छी तरीके से करना है, डालना है इसको। फिर इसको मिक्स कर देंगे हम अच्छे से। तो गाइस, 10 से 15 मिनट के लिए इस तरीके से ही छोड़ दें कढ़ी को, और अच्छे से मिक्स कर दें। आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है ये कढ़ी, और बहुत ही इजी होती है। इतना ज़्यादा कुछ झंझट भी नहीं होता इसमें, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप ज़रूर ट्राई करना एक बार बना के। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारी जो कढ़ी है कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है, देख सकते हैं आप। अब हम इसके अंदर तड़का लगाएंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगी तड़का हम लगाएंगे वो। तो गाइस, तड़के के लिए हमने तवा रख दिया है, हम तवे पे लगाएंगे, फ्राई पैन में नहीं लगा रहे। तो हमने ऑयल डाल दिया तवे पे। तो गाइस, ऑयल भी गर्म हो चुका है, और हम बिल्कुल सिंपल तरीके से तड़का लगाएंगे, जिसके लिए मैंने ये हरी मिर्ची ले लिया, आप देख सकते हैं। हरी मिर्च और सिर्फ जीरे का तड़का लगाएंगे, तो थोड़ा सा जीरा हम इसके अंदर ऐड करें। तो गाइस, इस तरीके से जीरे को अच्छे से हाथ की मदद से मीड लें, फिर डालें। इसके अंदर हींग भी ऐड है, तो हींग और जीरा दोनों का तड़का लगाएंगे।
और हरी मिर्ची का। ज़्यादा कोई झंझट नहीं करेंगे हम इसके अंदर। तो जीरा आप देख सकते हैं हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर अपनी हरी मिर्ची घेर देंगे। तो हम अपनी हरी मिर्ची है वो घेर देंगे। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी रेसिपी लगती है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है, कोई ज़्यादा झंझट वाली रेसिपी भी नहीं है। तो गैस हमारा जो तड़का है वो हो चुका है तैयार। हमने कर दिया गैस बंद। अब हम डालेंगे हमारा तड़का कढ़ी के अंदर। तो देख सकते हैं आप इस तरीके से, और ढक दें ताकि जो इसका स्मूथनेस है वो कढ़ी के अंदर ही रह जाए, इसलिए ढक कर बनाएं। तो गैस आप देख सकते हैं हमारी जो कढ़ी है कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है, कितनी अच्छी लग रही है देखने में। और प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है, और मैं अब आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। गैस आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बनी है हमारी कढ़ी, और एकदम बढ़िया कलर आया इसके अंदर, और बहुत ही ज़्यादा इजी और हेल्थी रेसिपी है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।